मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ब्राह्मण समाज के लोगों ने विरोध रैली निकाली है, जिसके बाद कलेक्ट्रेट गेट पर जमकर हंगामा किया है। साथ ही नेता प्रीतम लोधी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसडीएम सीवी प्रसाद को ज्ञापन सौंपा गया है। दरअसल राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ ने मांग की है कि प्रीतम लोधी पर पूर्व से कई गंभीर अपराध दर्ज हैं और उसे राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा। हमने गोविंदपुरी चौराहे से परशुराम चौक से यात्रा हमने स्टार्ट की है रैली निकाल के। आज हमने प्रीतम लोधी के विरोध में हमने यहाँ ज्ञापन दिया है राज्यपाल के नाम पर, जिससे कि अगर वो कार्रवाई शासन प्रशासन नहीं करता है तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करने की रूपरेखा बनाने जा रहे हैं। इसमें कुछ मांगे उन्होंने लिख के दी है प्रीतम लोधी जी के खिलाफ दी है कि उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। कई सारे प्रकरण दर्ज हैं, मांग को भेजा जा रहा है पुलिस डिपार्टमेंट को, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।